तो ये देखिए हमारा फाइनली बन चुका है ये चोखा। इसमें मैंने बना कर रख दिया है, कितना टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ कितना टेस्टी है। मैंने खा के देखा है और अगर आप होते तो आपको भी खिला दी। और ये देखिए चटनी, और इधर हमारा लिट्टी बन चुका है तो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ खाली छोटी बड़ी हुआ फूला फूला हुआ सा है, फूला फूला सा हुआ है। तो ये हमारे बन गए लिट्टी चोखा और चटनी। और अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो आप मीठा भी खा सकते हो इसके साथ। तो इसमें आप गुड़ वगैरह ले सकते हो। तो आज है संडे का दिन और रोज़ रोज़ भाग दौड़ के चक्कर में हम अच्छा मतलब बनाते तो हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगने वाले चीज़ नहीं बना पाते हैं तो ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो संडे का दिन होता है इसीलिए है, खाओ पियो मौज करो अच्छी अच्छी चीज़ें। तो आपको हमारी ये वाली रेसिपी कैसी लगी? और रात को हम बनाएंगे लिट्टी वो वाला जो इस पे तेल वेल नहीं लगा हुआ रहता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। मैं वनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा के बिटिया पे। और आज बन रहा है स्पेशल चीज़, तो इसलिए मैं आपको सुबह सुबह दिख रही हूँ किचन में, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन खाना वाना बनाने का थोड़ा सा मिल जाता है टाइम, आराम से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो आज बन रहा है बिहार का फेमस वाला चीज़, जिसका जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बस थोड़ा बहुत भोला कुमार को पसंद नहीं है। तो उनके लिए देखा जाएगा कुछ ना कुछ पैसे खा लेता है वो भी थोड़ा बहुत। तो आज बन रहा है बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा और धनिया वाले पत्ते की चटनी बनेगी। तो पहले हम आटा लगाने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बेसिकली चीज़ें तो सब कुछ को सबको बनाने आती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो नहीं बनाने जिनको नहीं बनाना आता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें करते हैं वो वाली चीज़ है आपको दिखाना, और हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आटा कैसे लगाते हैं हम लोग। तो चलिए आटा दिखा देते हैं। है कुकर बिठाया हुआ, इसमें बन रहा है आलू, और यहाँ पर मैंने आटा लिया हुआ है। तो आटे में डला हुआ है मंगरेला अजवाइन, या कोई लोग इसको कलौंजी या फिर अजवाइन को अजवाइन ही बोलते हैं। थोड़ा सा नमक डला हुआ है और ये है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, और ये है हमारा अभी अभी कम मंगाया हुआ फ्रेश फ्रेश वाला धनिया पत्ता, जिसका हम बनाने वाले हैं चटनी। और आलू भी कुकर में उबल रहा है, तो चलिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं फटाफट से, और फिर आपको तैयार करके दिखाते हैं कि कैसा बनता है लिट्टी चोखा। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग बना रहे हैं लिट्टी चोखा वाला रेसिपी। तो पहले आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दोनों हाथों से, क्योंकि मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है तो इसलिए मैं आपको एक हाथ से दिखा रही हूँ। अब अभी मैं फ़ोन को रखूँगी, इसके बाद इसको दोनों हाथों से अच्छे से मैश करूँगी, और फिर इसको पानी डालकर और आटा रोटी वाले आटे से थोड़ा कड़ा रखना है ताकि जो लिट्टी है वो अच्छे से पके और बिल्कुल उसमें मतलब फट जाए वो। तो हम बिना तेल वाला, बिना तवे पे रखे वाला, बिना किसी ऑयल का यूज़ किए हुए बस ऐसे सूखी वाली लिट्टी बना रहे हैं, जो कि आग वाली लिट्टी होती है जो बिहार की वही फेमस है। और यहाँ पे तो आग नहीं मिलता है, तो फिर हम नॉन स्टिक पैन पे बनाएंगे उसको, लिट्टी वाला पैन पे। तो चलिए अभी ये काफ़ी हो ही चुका है बात करते करते आप लोगों से, लेकिन मैं अभी इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी। और इस पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, वरना एक साथ पानी डालिएगा तो बेकार भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के सानते रहिएगा इसको, और मैं आपको दिखा देती अच्छे से, बट मैं अगर सानूंगी तो पकड़ना पड़ेगा खास कर थाली को, क्योंकि आटा थोड़ा कड़ा सा लगाना है तो मैं फ़ोन कैसे पकड़ पाऊँगी इसलिए। तो चलिए अभी मैं आपको इसको सान के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है फाइनली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही
थोड़ा मुश्किल होता है लगाना। ये देखिए आप, इतना कड़ा है आटा कि आप ऐसे दबाना पड़ेगा तब दबेगा, मतलब थोड़ा कड़ा, पूरी के आटे से थोड़ा सा कड़ा, और मतलब जितना ज़्यादा कड़ा होगा उतना अच्छा रहता है। आटा लग चुका है बहुत फाइन। अब हम बनाने जा रहे हैं सत्तू, तो थोड़ा सा इसमें है और हम निकालेंगे सामान में से, बोरी में से। मैंने सत्तू लाने के लिए बोला था तो उसमें से हम सत्तू निकालेंगे और फिर मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी क्या क्या उसमें डालेंगे और क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मैं सारी चीज़ें ले लूँगी, ऊपर से डाल के रखूँगी पहले, फिर इसके बाद मिलाऊँगी आपको दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, सत्तू बना लेते हैं। अब क्या है, नींबू, और अभी थोड़ा नींबू डल भी रहा है। ये देखिए बहुत सारा, मैंने इसमें डेढ़ नींबू डाल दिया है। डेढ़, एक तो आधा, एक नींबू था जो आधा ख़राब हो चुका था और आधा अच्छा था, और एक नींबू पूरा, क्योंकि नींबू बहुत महंगा हो गया है। तो हम यहाँ पे वो वाला कचड़ा है जो हमने सारी चीज़ें काटी हैं वो वाला, और मैं इसमें से सारे बीज निकाल के फिर डाल दूँगी। कितना सारा सारा रस निकल रहा है, अगर हमारे पास अचार होता तो आप अचार डालते, क्योंकि अचार से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अचार डाल देते और अचार वाला ही तेल भी डाल देते, फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता। अब मैंने इसमें डाला हुआ है हरी मिर्च, ये देखिए, और सत्तू और धनिया पत्ता और नींबू डाल दिया है, और ये है इधर अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो मैं वो डाल दूँगी। और हम डाल देंगे इसमें रखा हुआ है प्याज, और फिर डाल देंगे इसमें तेल, और तेल डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे जितना आपको चाहिए उतना स्वाद के अनुसार, और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिला के फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे। और ये हमारा आटा बन चुका है, आलू बन चुका है, इधर धनिया का पत्ता धो के रख चुके हैं, तो हम अभी चटनी चोखा बना लेंगे और इसके बाद हम लिट्टी का सत्तू बना के इसके बाद ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हो चुका है बहुत लेट और हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख भी लग चुकी है, इसलिए हम आपको अब सब कुछ करने के बाद दिखाएंगे। और अभी हम सत्तू को मैश करके और मिलाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दे रही हूँ कि मैं कैसे कैसे करके मिला रही हूँ। और बहुत दिनों के ये हमारा बन के तैयार हो चुका है सत्तू, देखिए कितना प्यारा, कितना कलरफुल और कितना अच्छा सा सत्तू बना हुआ है, पर टेस्टी भी बहुत है, मैंने खा के चेक किया हुआ है।
और ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा आटा लग चुका है। और अभी मैं चोखा बनाने जा रही हूँ, फिर चटनी बनाने जा रही हूँ, फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं थक गई तैयारी करते करते। और इधर टमाटर रखा हुआ है चोखा में डालने के लिए, क्योंकि मैं बैंगन नहीं खा रही हूँ, बैंगन मेरे को डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए कुछ दिन, इसलिए, वरना बैंगन भी था हमारे पास। वो देखिए सब्जियों में मेरा बहुत मन कर रहा था, ललच ललच है कि मैं खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊँगी। और अभी मैं थोड़ा सा सत्तू फिर से खाऊँगी, और आप लोगों को चोखा, चटनी, लिट्टी। चोखा में मैं क्या करने वाली हूँ कि सिर्फ इसको छीलूँगी और सूखी मिर्च तेल वगैरह डाल के और नमक और थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल के इसको तैयार कर लूँगी और वो डाल के, और लहसुन और हरी मिर्च और धनिया पत्ता और डाल के चटनी बना लूँगी, बस यही चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं। हाय फैमिली, तो ये हमारा बन चुका है, और मैं बनाने के चक्कर में दिखाना ही भूल गई आपको, तो अभी मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमारा चोखा में मिल चुका है, थोड़ा सा टमाटो और तेल और मिर्च और लहसुन कूट कर डाल दिया हुआ है, और ये हमारा चटनी बन के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल हरी हरी चटनी है, एकदम लालच बढ़ रहा है खाने के लिए। और ये बना हुआ चोखा, और ये एक लिट्टी, और अभी हमने यार आग वाला नहीं बनाया है क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका था इसलिए, और ये दूसरा इसमें से निकल रहा है। तो हमने क्या क्या है बेसिकली, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये है आटा, इसका गोल गोल रोटी वाला पेठा बनाना है, और फिर इसमें सत्तू को भरना है, इसके बाद इसको ऐसे गोल गोल भर के बना लेना है, ये भरा हुआ है। इसके बाद मैंने इसको ऐसे बेल लिया है, बेलने के बाद थोड़ा सा तवे पर सेक लिया है, और सेक सेक के इधर रख रही हूँ ताकि ऑयल कम उसमें लगे, सेकने के बाद उसमें ऑयल कम जाता है। और ये देखिए, इसके बाद हम इसमें कढ़ाई में डाल के और छान ले रहे हैं, तो छानने के बाद डीप फ्राई कर ले रहा है, इसके बाद ये ऐसा बन के निकल रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ये हमारे यहाँ पे दो रोटियाँ बच गई थी, तो उसका मैंने बनाया हुआ है, वो वाली रेसिपी मैं भूल गई आपको दिखाना, इनफैक्ट लेट हो रहा था इसलिए नहीं दिखा पाई। तो अगर आपको देखना होगा कि बची हुई रोटियों का लीटी ऐसा कैसे बनता है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको देखनी है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल फूल चुका है, और इधर हम बना रहे हैं फुला हुआ, इधर हम सेका हुआ डाल रहे हैं, और ये है गीला हुआ, तो मैं इसको इस पर डाल दूँगी और ये सिक जाएगा। सिकने के बाद ऐसा हो जा रहा है, ये देखिए ऐसा हल्के हल्के सेक के, पूरे अच्छे से तो नहीं बट हाँ हल्के हल्के सेक के, मतलब 80% इसको सेक देना है। सेकने के बाद फिर इसमें डाल लेना है, और डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा छान लेना है, छानने के बाद ही ऐसा हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा कम कलर, मतलब कि थोड़ा कम सा भी कर सकते हैं, कम लाल भी कर सकते हैं। और यही वाली चीज़ है, क्योंकि तो आपको पता ही है नॉर्मली कि इसका गोल बनाने के बाद, ये सत्तू भरने के बाद ऐसा हो जाता है, और फिर इसको ऐसे दबाने के बाद आटा आपका अच्छा होना चाहिए, आटे पे डिपेंड करता है, आटा आपका कड़ा और वैसा होना चाहिए। फिर इसको ऐसे ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के और हम बेल लेंगे, थोड़ा सा देखिए कितना कम बर्तन रखा हुआ है लगा के, और ये इधर सिक रहा है, और इधर डाल डाल के हम छान भी ले रहे हैं, और साथ में फिर अभी तुरंत बनाने के बाद हम खाना खाने जाएंगे। और चोखा सब कुछ हो गया, बस इसको मिक्स करना है, और चटनी भी हो ही गया है, सब कुछ हो गया है, बस कुछ ही मिनट में हम खाने जा रहे हैं। तो फिर आपको ये लिट्टी बनाने का तरीका और सब कुछ कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से बाकी को भी बना ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारा फाइनली बन चुका है ये चोखा, इसमें मैंने बना कर रख दिया है, कितना टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ कितना टेस्टी है, मैंने खा के देखा है, और अगर आप होते तो आपको भी खिलाती। और ये देखिए चटनी, और इधर हमारा लिट्टी बन चुका है, तो मैं डाल देती हूँ, और यहाँ थाली छोटी बड़ी वो फूला फूला सा हुआ है। तो ये हमारी बन गई है लिट्टी, चोखा और चटनी। और अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो आप मीठा भी खा सकते हो इसके साथ। तो
इसमें आप गुड़ वगैरह ले सकते हो। तो आज है संडे का दिन और रोज़ रोज़ भाग दौड़ के चक्कर में हम अच्छा मतलब बनाते तो हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगने वाले चीज़ नहीं बना पाते हैं तो ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो संडे का दिन होता है इसीलिए है, खाओ पियो मस्त करो अच्छी अच्छी चीज़ें। तो आपको हमारी ये वाली रेसिपी कैसी लगी? और रात को हम बनाएंगे लिट्टी वो वाला जो इस पे तेल वेल नहीं लगा हुआ रहता है, नॉन स्टिक पैन पे, जैसे कि आग वाला लिट्टी बनाएंगे रात को। तो वो भी आपको रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ज़रूर मिलेगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं धूप में खाने, मैं भोला कुमार और हमारा लुल्लू यानी कि लट्टू गोपाल। तो अगर ये वाली रेसिपी और ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और बहुत सारे शेयर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय। ये हमारा बिहारी स्टाइल वाला लिट्टी तो नहीं है, लिट्टी तो शाही वाला जैसा हो गया, बट रात को हम बिहारी स्टाइल वाला लिट्टी भी बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जानदार शानदार और हेल्दी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, प्रणाम, राधे कृष्ण, और बहुत सारा खुश रहें, बहुत सारा प्यार करें एक दूसरे से। बाय बाय।